अनुपात समान राशियों के बीच होता है। समान राशि का मतलब होता है जिसका यूनिट सेम है, बताए थे ना, अनुपात समान राशियों के बीच होता है। समान राशि का मतलब हुआ जिसका यूनिट सेम है, जिसका यूनिट सेम है ना। जैसे आपसे मैंने कहा 3:5 अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ अगर ये 3 रुपया तो 5 रुपया, अगर ये 3 केजी तो ये 5 केजी, अगर ये 3 क्विंटल तो ये 5 क्विंटल, जब भी होगा तो समान राशि। अब आप बोलेंगे कि माने क्या, 1 किलो माने कि क्विंटल माने कि रुपया माने कि घंटा माने, क्या माने? तो मैं बोलूँगा कि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, इकाई लेस होता है, यूनिट लेस होता है। इसका मतलब इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि अगर क्विंटल में है तो आंसर क्विंटल में लाएंगे, निश्चित राशि अगर घंटा में है तो आंसर भी घंटा में मिलेगा। यानी अनुपातिक राशि जो होती है क्या होती है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप लोगों से अगर कोई बंदा पूछ ले कि 35 रुपया तथा 75 पैसा का अनुपात ज्ञात कीजिए, जैसा ही आप लोगों से कह दिया 35 रुपया और 75 पैसा, तो आपका जब भी रेशियो निकलेगा तो दोनों का यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाता है तब ना यूनिट लेस होता है। तो अगर हम इसको 75 पैसा बोल रहे हैं, इसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? अब काट लीजिएगा, देखिएगा 25 या 75, 2500, यानी आंसर हो जाएगा 140 अनुपात। जल्दी बोलिए क्या आंसर देने आ जाएगा। तो जब कभी भी आप लोग को रेशियो प्रकट भी करना है तो किसके साथ करना है, समान राशि के साथ रह जाएंगे। तीसरी पढ़े आगे पढ़ा जाए। अब रेशियो प्रकट करने अगर आ गया, मैंने आप लोग से फिर से पूछ रहा हूँ, कहीं लिखा रहे ध्यान दीजिए, 15 केजी है ना, इधर लिखा रहे 750 का रेशियो प्रकट, आपको तुरंत बोलना होगा केजी को किस बदलना पड़ेगा, ग्राम में, इधर तो ग्राम है ही, आया ना, 0 से 0 खत्म, 75 × 150 यानी अनुपात। जल्दी बोलिए अनुपात जब भी होगा तो क्या होगा, समान राशि के साथ रह जाएंगे। अनुपात जब भी होगा तो किसके बीच होगा, समान राशि के, पक्का? अब रुकिए, तीसरी पढ़े आगे, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, 13 पॉइंट क्लियर करनी है। पॉइंट नंबर 2 ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुपात निम्नलिखित तो पूछेगा ना कि अनुपात की देखिएगा, पहला लेगा x/y डायरेक्ट दिखाई दे रहा, अनुपात पूछ रहा है x/y अनुपात हो गया, सही है। तीसरा एक्स वाई का कितना गुना, एक्स वाई का चौथा, एक्स कॉमा वाई का कितना प्रतिशत, ध्यान रखिएगा ये रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी मैथ क्या स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। इस तरह से हम घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं,
सरल जोगाड़ करते हैं। इसी तरह से तेरा टर्म जो होगा पूरी गणित का, पूरे मैथ को निकालने की, ये ध्यान से अगर सोच रहे होंगे कि रेशियो सर पढ़ा रहे हैं तो गलत बात। पूरी मैथ के मैंने कहा रेशियो पूछा जाता है, पहला एक्स अनुपात पाई ज्ञात, ये दूसरा एक्स बटा पाई ज्ञात करिए, तीसरा एक्स पाई का कितना गुना, चौथा एक्स पाई का कितना परसेंट है, पांचवा एक्स कॉमा पाई से कितना गुना कम अथवा अधिक है, कम अथवा एक्स कॉमा बाई से कितना गुना कम अथवा छठा एक्स बाई से कितना प्रतिशत कम अथवा मात्र छह रूप में रेशियो एक्स अनुपात बाई ज्ञात करिए, एक्स बटा बाई का मान ज्ञात करिए, एक्स बाई का कितना गुना है, एक्स बाई का कितना परसेंट है, एक्स बाई से कितना गुना कम या अधिक है, एक्स बाई से कितना परसेंट अधिक आ गया भैया। अब समस्या ये होता है ना, क्या हम लोग लिख तो लिए, अब सुबह उठ के याद भी करेंगे कि छह रूप को है तो याद नहीं हो, उसका की वर्ड खोजा जाता है कि कौन ऐसा की वर्ड है जिससे हमारा छेवों का छेवो एक लाइन में याद हो जाए। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे रियल नंबर का परिभाषा बताई, तो ऐसा टर्म यूज कर लेते होंगे जिससे सारा रियल नंबर आ जाता आया ना, नहीं बोल रहे। मैंने कहा मान लीजिए कोई पोलोनियम मिल का परिभाषा बोलते होंगे ना, क्या इसका परिभाषा है, हम लिखते रहेंगे कि इस पोलोनियम कहते इसको कहते इसको कहते इसको कहते, तो उसे लिखते देते एक 1000 एग्जांपल है। तो आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए कि रेशियो के रूप में पूछा जाता है तो इसको हम कौन से कीवर्ड का यूज कर, तो हम ध्यान दीजिए यूज कर रहे हैं लिखिएगा, इन दोनों को तो ध्यान में रखने की जरूरत कि तो दूरिया से पता चल रहा है रेशियो, इसी को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं हाँ या ना, इन दोनों को हमें ध्यान रखने की जरूरत, हम बस एक लाइन ध्यान रखिए, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो समझिएगा रेशियो एक लाइन में होगी, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो समझेंगे प्रश्न रेशियो में पूछा जा रहा, हुआ कि नहीं हुआ, एक लाइन में याद हो गया। इसको अपने शब्दों में क्या लिखेगा कि जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो हम समझेंगे प्रश्न रेशियो में पूछा जा रहा है, क्लियर हो गया, लिखा जाए जब प्रश्न के अंत में कितना गुना अथवा कितना प्रतिशत लग जाए, जब प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए तो हमें समझना होगा कि प्रश्न अनुपातिक राशि के रूप में पूछा जा रहा है। बच्चे लिख रहा है मोबाइल पे कि चालू हो रेशियो नहीं मैथ चालू हो, मैथ स्टार्ट होता है पहले क्या पढ़े, फर्क पड़ने वाला नहीं, क्या लिखे कि प्रश्न के अंत में कितना गुना या कितना प्रतिशत लग जाए समझेंगे प्रश्न रेशियो में, हाँ या ना। अब इसका आंसर देने के तरीके से
कितना गुना या कितना परसेंट के पहले काया से अवश्य रहेगा, कितना गुना या कितना परसेंट के पहले जिसमें का लग जाएगा वो नीचे और दूसरा पाई का कितना गुना है, यानी पाई नीचे या एक्स हो गया आंसर। इसी रूप में ना होता है भाई, पाई का कितना गुना है, पाई में का लग गया तो पाई नीचे एक्स पर, क्लियर हो गया। पाई में का लग गया तो पाई नीचे एक्स, अब परसेंट है तो गुना सौ, किसी भी रेशियो को सौ से गुना कर देंगे तो परसेंट का रूप धारण कर लेगा। दोनों में अंतर इतना ही है कि एक फ्रैक्शन हुआ और ये परसेंट लाने के लिए, तो बचपन से पढ़े हैं किसी भी फ्रैक्शन को सौ से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत का रूप धारण कर लेता है। नहीं ये हो गया भाई, क्या लिखा हुआ था एक्स बटा पाई, एक्स बटा पाई गुने सौ, सौ कहाँ से आया, तो किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए सौ से गुना करें। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? यही सेम चीजें है यहाँ भी, किसमें काया से लगल है, तो पाई नीचे, कम या अधिक का मतलब दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब पाई भी बड़ा हो सकता है एक्स भी बड़ा हो सकता है, हाँ या ना, आपकी भाषा में लिख, कम या अधिक का मतलब डिफरेंस, पाई से कितना कम या अधिक है, तो पाई में काया से लग गया तो पाई नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर, ऐसी में परसेंट कह दिया तो परसेंट लाने के लिए जल्दी बोलिए कैसे गुना, क्या आप एग्री हैं, बोल नहीं रहे। रेशियो विद्यार्थी जी छह रूप था, क्लियर हो गया, चलिए अब आगे इस पे बातें कर रहे हैं, लिखा जाए आ जाए, लिखिए हाथ दे, छह रूप याद रह जाएगा, बोलिए छह रूप नहीं याद रखना है, ये दोनों तो याद ही था, अब इतने याद रखना है कितना गुना या कितना परसेंट लग गया, मतलब वो क्या हो गया रेशियो, कितना गुना या कितना परसेंट लग गया तो क्या हो गया रेशियो, क्लियर हो गया। अब चलिए क्लियर कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरी अंकगणित में दो तरह की राशियां होती हैं, अंकगणित में नंबर हम कितना पे चलेंगे, अब पूरी अंकगणित में दो ही तरह की राशि होती है, एक को हम बोलते हैं अनुपातिक राशि, जिसका नाम पढ़ रहे थे अनुपातिक राशि, और दूसरा होता है विद्यार्थी जी निश्चित, एक होता है क्या अनुपातिक राशि और दूसरा होता है ना, पूरी अंकगणित की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे अंकगणित में दो ही तरह की राशियां होती है, एक अनुपातिक राशि और एक निश्चित। अब बोलिएगा सर हम कैसे पहचानेंगे कौन अनुपातिक राशि और कौन राशि, हाँ या ना, तो जिसके साथ कोई इकाई यूनिट लग जाए, जिसके साथ कोई यूनिट लग जाए वो निश्चित राशि हो गई, जैसे 500 राशि हो, 17 केजी राशि हो, 16 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित राशि हो, है ना, 17 मीटर निश्चित राशि हो, 23 घंटा निश्चित राशि हो, यानी कहने का मतलब है कि जिसके साथ कोई आज्ञा क्या हो गई, सही है, जिसके साथ कोई आज्ञा क्या हो गई निश्चित, और जिसके साथ कोई यूनिट ना रहे वो क्या हो गया अनुपात। अब अनुपातिक राशि कैसे होता है, अनुपातिक राशि होता है कितना गुना है, कितना गुना है या कितना परसेंट है या एक्स अनुपात पाई या एक्स बटा पाई, कितने ही ना लिखाए थे, जैसे ध्यान दीजिए लिखा रहेगा तीन गुना, हाँ है ना,
25% दो अनुपात तीन सात बटा पांच, ये सारा का सारा क्या है पाठ्यक्रम कैसे से? हमने आपसे पूछा कि 500 रुपये दीजिए, आप पूछ 500 रुपया का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि 500 का मतलब क्या हुआ, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 25% हमको दीजिए, आपका पहला जवाब होगा किसका 25%, तो आपका फी है उसका 25%, कल मैंने घर से लाया है उसका 25%, कल आपसे वादा किया था उसका 25%, कल मैंने रोड पे पाया था उसका 25%, किसका 25% है? निश्चित नहीं है, किसी न किसी के साथ रहता है तभी निश्चित होता है, मेरी बात समझ में आ रही है, तभी इसका अर्थ होता है इसका, लेकिन ये अर्थ पूर्ण हो गया है ना, ये अभी अर्थ पूर्ण, इसमें किसी न किसी के साथ कहाँ लगेगा तभी अर्थ पूर्ण होगा, अन्यथा इसका तो अर्थ होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अनुपातिक राशि। राशि अनुपातिक राशि में अंतर समझ में आ गया, जैसे हमने कहा 3 गुना दीजिए, आप पूछेंगे किसका 3 गुना, जितने लड़के बैठे हैं उसका 3 गुना, कल आपसे पैसे लिए थे उसका 3 गुना, कल मैंने खर्च किया उसका 3 गुना, कल मैंने घर से मांग के लाया उसका 3 गुना, किसका 3 गुना की बात कर रहे हैं? निश्चित नहीं है, ये सारी राशियां क्या है भौतिक राशि, क्लियर हो गया, ये राशि क्या है भौतिक राशि, ये क्या है निश्चित राशि, ठीक है। अब आ जाइए आगे, हेलो हमने आप लोगों से कहा कि अनुपातिक राशि निश्चित राशि तो समझ में आ गया। अब होता है विद्यार्थी जी, हम अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आप चौथी टर्म, नहीं सही है, इसको हम बोलते हैं विद्यार्थी जी दो राशि के बीच अनुपात प्रकट, दो राशि के बीच अनुपात प्रकट, हेलो सर क्लास में निकल के बात कर लेते, ध्यान दीजिएगा। अब दो राशि के बीच अनुपात प्रकट करने पहले हम दो के बीच करते हैं, ध्यान दीजिए रेशियो कम से कम दो के बीच होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है संबंध, संबंध तो संबंध कम से कम कितने बंदे के बीच, दो बंदे के बीच, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, मतलब रेशियो कम से कम कितने के बीच, उसके बाद हम लोग 3-4 के बीच चल सकते हैं, हमारा वो भाई हुआ, भाई का वो बहन हुआ, बहन का वो भतीजा हुआ, तो हम लोग सब रिलेटिव होंगे, लेकिन पहले रिलेशन कितने के बीच जोड़ना सीखते हैं दो के बीच, तो हम लोग उसी तरह से दो राशि के बीच रिलेशन जोड़ने की तरीके लिखने की तरीके सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि
अनुपातिक राशि के तुरंत पहले, अनुपातिक राशि के तुरंत पहले आ अथवा से अवश्य लगा होता है। हमने कहा अनुपातिक राशि के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। आप बोलिएगा क्या गारंटी है? मैं एक शब्द में आपसे बोलता हूँ, ये कोई किताब में लिखा हुआ है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा शक भी होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको लगेगा बात सही है। अनुपात का मतलब क्या होता है? रिलेशन। दुनिया में जितने भी रिलेशन जानते हैं, लिख के देखिए, रिलेशन के पहले तुरंत का लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं, ध्यान दीजिए, किन्हीं का नाम होगा तो माफ करिएगा। सोहन का पिता रमेश, सेंटेंस पूरा हो गया। अब रिलेशन कौन है? पिता के तुरंत पहले का आया कि नहीं आया? अब हम आपको बोलेंगे इस सेंटेंस को किसी तरह से लिखिए, लेकिन पिता के पहले काया से मत लगाइए, लिख के दिखाइए। पिता के पहले काया से लगना नहीं चाहिए, सेंटेंस पूरा कर दीजिए जल्दी। मन में सोचिए कि सुन सेंटेंस ही समझ में आ रहा है ना, बचपन की सेंटेंस है। सोहन का पिता रमेश है, इसको लिखना है दूसरे भाषा में, कैसा हूं लिखिए, हमको पता चल जाना चाहिए कि ये पिता है। पुत्र के पहले फिर तो का लिया है। हमने कहा बिना काया से लगाए हुए लिख के दिखा दी, नहीं होगा। इसका मतलब गारंटी है कि रिलेशन के पहले कहाँ रहना चाहिए? रिलेशन के पहले कहाँ रहना ही चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि रेशियो के तुरंत पहले काया से अवश्य रहे। क्लियर हो गया? रिलेशन के तुरंत पहले क्या लगा रहेगा? काया से। इस पे कोई शक? कोई किताब की चीजें नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम लोग कहते हैं क्या, किताब में 3 पेज पढ़ते हैं, उसको हम लोग 1 लाइन में लिखने की आदत डालते हैं, कि कौन ऐसा लाइन लिखे कि 3 पेज का काम विद्यार्थी को 1 लाइन में, पूरा 3 पेज दोहराना संभव है नहीं, लेकिन 1 लाइन अगर हम बोल देंगे तो दिमाग में हट जाएगा। हम लोग टीचर और विद्यार्थी में एक ही अंतर होता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। टीचर का काम क्या होता है कि उसका निचोड़ निकालना, कि 4 पन्ना पढ़ाए, 4 पन्ना को हम कैसे 1 पैसेज में लिख दें कि उनका काम। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, हमने सीखा कि रिलेशन के पहले काया से रहता है, उसी तरह रेशियो के भी पहले काया से रहेगा, याद रह जाएंगे। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे से हर समझते ना, नीचे वाले को डिनोमिनेट से हर तथा दूसरे को अंश मान ले। जिसमें का लगा रहे हैं उसको क्या करेंगे? हर, और दूसरे को जिसमें का लगा रहे हैं उसको हर और दूसरे को अंश। बोलिएगा तो ये वो रहता हर और अंश? मैंने कहा हाँ, कोई भी फ्रैक्शन में दो ही रहता, हर और कोई भी परिमेय संख्या लिखिए, पी वाई क्यू के रूप में होता है, यस या नो, पढ़े होंगे ना, परिमेय संख्या क्या होता है? पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू का मतलब एक हर और एक, तो जिसमें का लगा रहे वो क्या होगा? हर, है ना, जिसमें का लगा रहेगा वो हर, और दूसरा याद रह जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीखते हैं। पहली क्वेश्चन देखिए, उठा के क्या लिखा हुआ है, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4,
पहला चीज सीखिए, रेशियो किसके किसके बीच है? राम की आयु और श्याम की आयु। रेशियो किसके किसके बीच है? राम की आयु और श्याम की आयु। आयु के बीच ना, राम और श्याम की आयु। अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुपातिक राशि के पहले का लगल रहेगा। देखिए तो किसमें का लगल है, श्याम में कि राम में? तो जिसमें का लगल है वो हर, दूसरा तो श्याम में का लगल है, तो श्याम चार तो राम। तुरंत आदत डालना चाहिए, श्याम का पांच बटा चार यानी श्याम चार तो राम। बात समझ में आ रही है? फिर से, दीना की वर्तमान आयु विवाह की आयु का सात बटा चार किसके किसके बीच रेशियो दिल है? दीना की वर्तमान आयु और रेशियो दिया हुआ है वर्तमान आयु और विवाह की आयु। तो जल्दी से देखिए कि सात बटा चार के पहले काके की लगल है किसमें? किसमें? विवाह चार तो वर्तमान। आई रेशियो उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा अंतिम में क्या पूछ रहा है। वर्तमान आयु और विवाह की आयु यानी आंसर सात अनुपात। फिर से, एक कलम का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का यानी रेशियो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य में का लगल है? तो क्रय मूल्य तीन विक्रय मूल्य चार। रेशियो पूछ रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी आंसर होगा तीन अनुपात चार। इसको आंसर दीजिएगा, आया समझ में? फिर से सीखिए, निश्चित मूल्य, निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य का किसमें का लगल है? रेशियो क्या है? निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी रेशियो निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य में है। विक्रय मूल्य में कहा लगल है? तो विक्रय मूल्य सात निश्चित मूल्य। रेशियो पूछ रहा है विक्रय मूल्य और निश्चित मूल्य, आंसर क्या लिखेंगे? सात अनुपात बनेगा। फिर से, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे, चीनी और पानी का घोल है, किसका घोल है? चीनी और, लेकिन रेशियो किसके बीच है पता है आपको? पढ़ते हैं, पानी की मात्रा पूरे घोल का यानी रेशियो पानी और पूरे, रेशियो किस में है? पानी और पूरे। अब पूरे घोल में का लगल है? अब पूरा अगर तेरह तो पानी छे, पूरा तेरह तो पानी छे, तब पूरा तेरह जिसमें पानी यानी चीनी, क्या सात अनुपात छे देने आ जाएगा? आंसर देने आ गया। फिर से, ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का यानी रेशियो किसमें दिया है? जल्दी बोलिए, बी में और बी तथा ए के कुल भाग, कुल भाग में का लगल है? यानी टोटल सात, और बी का कितना? टोटल सात तो बी का कितना? बोले बी का का है, ए का का है नहीं, रेशियो दिल है बी और टोटल में किसमें? तो टोटल सात तो बी का तीन, तो टोटल सात जिसमें बी का तीन यानी ए का। आंसर जल्दी बोलिए, आंसर देने आ रहा है। फिर से समझिए, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का दो बटा सात भाग लड़कियां है, रेशियो दिया है कुल विद्यार्थी और लड़की के बीच, कुल विद्यार्थी और, तो कुल विद्यार्थी में कहा लगल है? तो कुल विद्यार्थी सात तो लड़की, कुल सात तो लड़की यानी लड़का। आंसर पांच दो लिखने आ गया, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। फिर से, दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा दूध का किसमें दिल है? पानी की मात्रा
यानी रेशियो पानी और दूध में, दूध में ना कहाँ लगल है, तो दूध 13 तो पानी। अब जल्दी से रेशियो किसका पूछ रहा, दूध और पानी, तो आंसर देंगे 13:5। आंसर देने आ गया, फिर से आम और सेब रखे गए, आम और सेब रखे गए, लेकिन क्या कह रहा है देखिएगा, टोकरी में आम की संख्या कुल फलों का 7/12। आम की संख्या कुल फलों का 7/12, यानी रेशियो है आम और कुल फल में ना, तो कुल 12 जिसमें आम कितना, कुल 12 जिसमें आम कितना, आम 7 यानी सेब, आंसर 7/5 लिखने आ गया। बनाने आएगा कि कितने राशि के बीच लिखने आया, अधिक के बीच भी लिखना सीखेंगे, इसमें होमवर्क कितना है, चलिए आगे का और सीखते हैं कुछ। लिखिएगा, जब मूल संख्या का 1/5 जोड़ा जाए, मूल संख्या में का लगल है किसमें, तो मूल संख्या 5 जोड़ा गया, जल्दी बोलिए 1 यानी नई संख्या कितना। अब रेशियो जिसका पूछे, मूल संख्या का 1/5 जोड़ा गया, यानी मूल संख्या 5 तो जोड़ा गया 1 यानी नई संख्या, रेशियो किसमें है जल्दी देखिए, नई संख्या और मूल संख्या यानी 6:5, 6:5 आंसर देने आ जाएगा। फिर से संख्या का 3/8 जोड़ा जाए, संख्या में का लगल है, संख्या 8 का जोड़ा जाए 3 यानी नई संख्या, अब मूल संख्या नई संख्या का रेशियो 8:5 आंसर देने आ रहा है। फिर से हड़बड़ाइए नहीं, संख्या का 2/5 घटाया जाए, संख्या में का लगल है, नहीं मूल संख्या 7 घटाया गया 2 यानी नई संख्या, जल्दी बोलिए आंसर देने आ गया। 4% आशा कर सकते हैं कि सीख रहे हैं, ये टाइप बन जाना चाहिए। 1/4 जोड़ा गया कितना, अब मूल संख्या 4 जोड़ा गया 1 नई संख्या, जल्दी बोलिए रेशियो किसके बीच पूछ रहा है, तो 5:5 आंसर दे पाएंगे। संख्या का 5/12 घटाया गया, यानी संख्या 12 घटाया गया 5 यानी नई संख्या, जल्दी बोलिए बनाने आएगा, बोल नहीं रहा है, गलत ना हो जाएगा, ठीक से देखिए क्या पूछा जा रहा है, नई संख्या मूल संख्या 7:12 यानी आंसर, जल्दी बोलिए बनाने आएगा। अब आ जाइए जरा, अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, कुल फल का 3/8 आम है और कितना लिखल है, इसका मतलब बताइए, कुल फल का 3/8 मैंने कहा, राहुल 3 रोटी 4 केला और 2 प्लेट चावल खाया, आप इसको अलग अलग करिएगा, क्या लिखेगा, राहुल 2 रोटी खाया, राहुल 2 प्लेट चावल खाया, राहुल 3 केला खाया, यही ना होगा, तो कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब समझिए, कुल फल का 3/8 आम, कुल फल का 7/12 केला अशेष। अभी ध्यान दीजिएगा, उन्हें कहा पहला लाइन कि कुल फल को कितना मानो, इन्होंने कहा कुल फल को कितना मानो, अब दोनों में फैटम फैटी हो गया, एक ने कहा 8 मानो, एक ने कहा, अब जो मध्यस्थता करने आया बोला ऐसा करो भाई
दोनों खुश रहो, ऐसा मान लो जो आठ से भी कटे और आठ और बारह से कटने वाली राशि। यानी आपको तुरंत समझ जाना है कि टोटल फल कितना मान लें। अब इसको 24 लाने के लिए कैसे गुना, तो तीन दिया नौ हो गया, आम कितना आम हो गया नौ, 24 लाने के लिए तो सात उन्हें 14 हो गया, जल्दी बोलिए। अब बच गया जो क्या लिखा हुआ था संत, तो 24 में से 23 हो गया, संतरा कितना आए। तो रेशियो किसका पूछ रहा है, आम केला और संतरा 9, 14 और एक, तीनों में रेशियो लिखने आ गया। फिर से सीखिए हड़बड़ा के नहीं, कुल पूंजी का 1/4 किसने लगाया, ए ने, 2/5 किसने लगाया, अशेष पूंजी। तो ऐसा पूंजी मानिए तो 4 और 5 से कट जाए। अब 20 लाने के लिए 5 से गुना नहीं, 5 एक 5, 20 लाने के लिए 4 से गुना नहीं, 4 दूनी 8, 5 13, नहीं शेष कितना, टोटल 20 न माने थे, रेशियो कितना हो गया 5, 8, 7 बनाने आया आप लोगों को। यानी दो तीन गो में का लगा रहे, तो ऐसा मानिए जो उन सबों से कट जाए, कट जाए मतलब उन सबों का एलसीएम, सबों का बनाने आएगा। 3/20 ए ने लगाया, 4/15 अशेष पूंजी सी ने, फिर से वही रटा रटाया। ऐसा मानिए जो 20 और 15 से कट जाए, 60 लाने के लिए 3 से गुना 3 तिया, 8 लाने के लिए 4 से गुना 4 चौ, तो 16, 9, 25, यानी शेष कितना, छोड़ के 60 आ गया, बनाने आया जी, बनेगा क्या क्वेश्चन है इसमें, बन जाएगा। हाँ बेटा, तो आज भर फिर से होमवर्क हो गया, जल्दी बोलिए। टाइप 1, आशा करें समझ में आया होगा। अभी आप लोग कितने पॉइंट पे चल गए, 4, कल हम 13 पे पहुंचे। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, तब 13 क्वेश्चन गिन लेना, कितना क्वेश्चन। अभी हम लोग 13 पॉइंट सीखेंगे, सही है। तब हम लोग का प्रश्न स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग को प्रश्न बनाने के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, ये हर एक चैप्टर में आएगा, है ना, इन्हीं की रेशियो में आ रहा है, पूरे मैथ में हर एक लाइन में ही सब आना है। ये लिखने के लिए सीख गए, बाकी बातें इसमें कल करेंगे। तो पीछे छूट गए थे वो तो अब नहीं बोलेंगे छूट गए, इन्हें पिछले क्लास में बताए थे, पूरा रिपीट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए अगर दिमाग में कुछ आ जाए कि छूट गया, अब छूटा उठा नहीं है, फिर भी अगर लगे छूट गया, क्योंकि छठ था इसलिए मैं YouTube पे भी डाल दिया हूँ, सही है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, जो आपके मित्र को किन्हीं का छूट गया होगा वो बोल दें, है ना।